की अब लिप्टी कलेक्टर का से तो गलती हो गई सर, हम लोग सर से नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। बिहार के सीनियर आईएएस अफसर के पाठक का एक वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था, जब एक मीटिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को गालियां सुना दी थी। इस वीडियो में वो न सिर्फ अफसरों को बल्कि बिहार के लोगों को भी गालियां दे रहे थे। 36 सेकंड के वायरल वीडियो में के पाठक 36 बार गालियां देते सुने जा सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद के पाठक की खूब फजीहत हुई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपने खासम खास आईएएस अफसर के पाठक का वीडियो वायरल करने वाले दो अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल के अवर निबंधक अहमद हुसैन और मधुबनी के बाबू बरही के प्रणव शेखर को निलंबित किया गया है। बता दें कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई है। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचा था। उन्होंने जांच के लिए मुख्य सचिव आमिर सुभानी को इसकी जिम्मेदारी दी थी, जिसमें इन दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद दोनों निबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। दरअसल के पाठक नीतीश कुमार के बेहद खास अफसर माने जाते हैं। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वैसे तो के पाठक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू यादव के वो करीबी माने जाते हैं। नीतीश को के पाठक पर इतना भरोसा है कि उन्होंने शराबबंदी लागू करवाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी है। लेकिन के पाठक का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2019 में एक ठेकेदार ने के पाठक पर रिवॉल्वर तानने और पीटने का आरोप लगाया था। वही स्टेट बैंक के 7 ब्रांच मैनेजरों पर FIR की कार्रवाई करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पाठक पर 1,75,000 का जुर्माना ठोका था। बेहद कड़े स्वभाव के आईएएस अफसर के तौर पर के पाठक की प्रतिष्ठा है, लेकिन उनका गाली वाला वायरल वीडियो सामने आने के बाद पाठक और बिहार सरकार की काफी फजीहत हुई थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।